भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और रानी चटर्जी एक साथ आ रही हैं एक गाने में। गाने का नाम है साड़ी पर का फोटो। जी हाँ, जिसका ऑडियो रिलीज हो चुका है, जिसके ऑडियो रिलीज को लोगों ने बहुत पसंद किया। सब ने कहा कि ये गाना काफ़ी मेलोडियस है और इस गाने को व्यूज़ भी अच्छे मिले हैं। लेकिन अब इसका वीडियो सॉन्ग आ रहा है, वीडियो सॉन्ग बहुत जल्दी आएगा। आपको ये बता दें कि इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बात शेयर की और ये कहा कि इन दोनों की पुरानी जोड़ी नए अंदाज में आएगी। साथ ही अपनी और पवन की एक फ़ोटो भी शेयर की जिसमें रानी चटर्जी और पवन सिंह नारियल पानी पीते नज़र आ रहे हैं और ये फ़ोटो काफ़ी रोमांटिक अंदाज में है। यहाँ रानी चटर्जी ने ये भी बात कही कि वो काफ़ी अच्छा फील कर रही हैं। खैर, आगे हम आपको ये भी बात बता दें कि इसका वीडियो शूट जल्दी होने वाला है और जल्द ही ये गाना आप लोगों को नज़र आएगा। काफ़ी लंबे समय बाद रानी चटर्जी और पवन सिंह एक साथ नज़र आएंगे एक गाने में। से एक वो दौर था जब रानी ने पवन के साथ काम न करने की कसम खा ली थी। खुद मीडिया में भी रानी ने कई बार कहा कि वो पवन सिंह के साथ काम नहीं करेंगी। इसके पीछे ये रीज़न बताया गया कि कभी एक ज़माने में ये एक दूसरे की जान हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो गए और इन दोनों की जोड़ी अलग हो गई। ये डिफरेंसेस इतने ज़्यादा थे कि मीडिया में आकर सामने से रानी चटर्जी ने कहा कि वो पवन सिंह के साथ कभी भी काम नहीं करेंगी। न जाने क्या क्या बातें उन्होंने पवन सिंह के बारे में कही। फिर इन दोनों की दोस्ती हुई आम्रपाली के बर्थडे में। जी हां, आम्रपाली के बर्थडे में रानी चटर्जी और पवन सिंह की एक तस्वीर खूब जोरों से वायरल हुई। जब सब ने रानी चटर्जी के बारे में पवन सिंह से पूछा तब पवन सिंह ने रानी चटर्जी को अपना अच्छा दोस्त बताया, तो रानी चटर्जी ने भी पवन सिंह को अपना अच्छा दोस्त बताया और ये कहा कि पुराने गिले शिकवे वो भूलकर अब एक अच्छे दोस्त हो चुके हैं। रानी समय समय पर पवन सिंह के साथ अपने फ़ोटोज़ को शेयर करती रहती हैं और उन्हें प्यार से फ़ोन बुलाती हैं। साथ ही साथ वो कई बार पवन सिंह के साथ वीडियो कॉल करती हैं और उसके स्क्रीनशॉट भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती हैं और उन्हें फोनू नाम से ही बुलाती हैं। वैसे जब से इनकी दोस्ती हुई है तब से अक्षरा और रानी की दोस्ती में दरार आ गई। कहा जाता है कि रानी चटर्जी और अक्षरा सिंह एक ज़माने में बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। अक्षरा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पवन सिंह और रानी के रिश्ते बिगड़े थे तब उन्होंने रानी चटर्जी को बहुत सांत्वना दी थी, लेकिन बाद में जब उनके और पवन के रिश्ते बिगड़े तो रानी चटर्जी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और रानी चटर्जी ने पवन से दोस्ती करके उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला। खैर, अब इस बात को बोलकर कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तो आप इंतज़ार कीजिए और हम इंतज़ार करेंगे इस वीडियो शूट का जो जल्द ही आपके समक्ष आएगा और हम इससे रिलेटेड आपको हर एक जानकारी देंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और सालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।